हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? रुको रुको, हार्ट अटैक हो गया, रुको रुको, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। सांस सांस आ रही है, नहीं आ रही, सीधा कर दो इसको, सांस आ जाए। नहीं, दिल की धड़कन देखना एक बार, दिल की धड़कन नहीं है, दिल की धड़कन नहीं है, नहीं देखा धड़कन, तो इसमें ऐसे सीधे करो, आप सीधे पकड़ो इसे। 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, सांस दो, आप सांस दो, मुंह खोल के सांस दो, अच्छी तरह से सांस दे रहे हैं। रुको रुको रुको, अब आ गए, अब आ गए, दिल की धड़कन आ गई है। अब इनको एम्बुलेंस में शिफ्ट करो, एम्बुलेंस में शिफ्ट करो, चलो चलो, आओ उठाओ 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 उठाओ, आओ उठाओ उठाओ उठाओ, ऐसे ऐसे लेके चलो आप। अब इनकी हालत सेफ है, अब इनकी दिल की धड़कन आ चुकी है, अब सेफ है, आप करो। देखिए, दिल की धड़कन कभी भी ऐसे रुक सकती है, इसे कहते हैं CPR टेक्निक। इनको अचानक ही दिल का दौरा पड़ गया था, हार्ट अटैक, इनकी दिल की धड़कन रुक गई थी, सांस भी नहीं थी, लेकिन 30 सेकंड तक, जब हमने 30 बार ऐसे किया 15 सेकंड तक, उसे इनकी सांस आ गई है, दिल की धड़कन है। लेकिन ये पहले एक मिनट बड़ा कीमती होता है, अगर पहले एक मिनट में हम मरीज को संभाल लेते हैं तो फिर उसका 100% चांस बढ़ जाते हैं उनका रिकवरी के। तो इसलिए इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। CPR की टेक्निक भारत के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, भारत के हर नागरिक को पता होनी चाहिए CPR की टेक्निक, चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हों, चाहे कोई IT पर्सनल हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, हर किसी को, जिसको भी अगर इसके CPR की टेक्निक का पता होगा, वो किसी न किसी की जान बचा सकते हैं। क्योंकि बेहोशी तो कहीं भी हो सकती है, अगर बेहोशी में दिल की धड़कन रुक गई तो जान उसी समय जा सकती है। पहला एक मिनट ये बड़ा कीमती होता है, अगर पहला एक मिनट हम कर ले बचा लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे करते हैं, CPR टेक्निक, इसके 5 स्टेप हैं। ये तो जहाँ भी अगर किसी को बेहोशी हुई है तो पहले देख लो क्या उसको करंट तो नहीं लगा कोई, अगर करंट लगा है तो उस तार को हटा दो, जिससे कि CPR टेक्निक करने वाला व्यक्ति ठीक रहे, सेफ रहे। दूसरा, फिर रेस्पॉन्स देखो कि क्या आप होश में हो। हमें कंधा पकड़ के ऐसे देखना पड़ता है, और उसके बाद ऐसे हम देख सकते हैं क्या होश में है, फिर देखेंगे सांस अच्छी आ रही है, नहीं आ रही है, सांस है। अगर सांस नहीं आ रही, फिर हम देखेंगे दिल की धड़कन है नहीं है, ये भी स्टेप है, दिल की धड़कन देखनी है हमें, अगर दिल की धड़कन नहीं है, फिर हमें यहाँ पे जो निप्पल का एरिया होता है, इसके बीच में 30 बार ऐसे दबाना है, लगभग 2-2 इंच गहरा, बहुत ज़्यादा जोर से भी नहीं दबाना, अगर ज़्यादा जोर से दबाएंगे तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। कोहनियाँ हमारी सीधी होनी चाहिए, जैसे कि सीधा प्रेशर हो, ऐसे अगर हम 30 बार कर देंगे, उसमें फिर 2 बार मुँह से सांस दे देंगे, उससे फिर दिल की धड़कन आ जाती है, 90% चांस होता है कि दिल की धड़कन आ जाए। जैसी दिल की धड़कन आएगी, उसके बाद तो फिर हॉस्पिटल में भी उसको सेव कर सकते हैं। इसलिए ये टेक्निक भारत के हर नौजवान को बताएं, जिससे कि कई बार हम अगर पहले एक मिनट में हमने मेहनत नहीं करी और अच्छा टेक्निक नहीं अपनाई, तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं किसी को बचा सकते। और जो CPR की टेक्निक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये एक तरह का ज्ञान है। अगर नॉलेज, ऐसी टेक्निक की नॉलेज होगी तो हम किसी की भी जान बचा सकते हैं। इसलिए पब्लिक के इंटरेस्ट में, समाज के हित में, ये CPR की टेक्निक आप हर किसी को बताएं। इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड भी करें, और मैंने ऐसी ऐसी अनेक वीडियो CPR की डिटेल में, ऐसी अनेक वीडियो बना रखी है। मेरा जो जगदम्बा बेबी केयर चैनल है, उसमें CPR की कई डिटेल वीडियो हैं, वो भी आप देखें। और क्योंकि जितना अगर नॉलेज के साथ, इसे कहते हैं CPR टेक्निक, कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए है ये वीडियो। ऐसी इन्फॉर्मेशन सबको बताएंगे तो लाभ मिलेगा, सबको स्प्रेड करें और इसको डाउनलोड भी कर लें, जिससे कि इसका सबको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।